एम्बुलेंस से कोविड 19 पॉजिटिव मरीजों को नहीं उतरवाने से एम्बुलेंस चालक हो रहे हैं परेशान। पिछले एक घंटे से खड़े हैं कोविड 19 वार्ड के पास। एम्बुलेंस में लेकर आए हैं चार मरीजों को। आज 108 एम्बुलेंस चालक विक्रांत लोको से चार पॉजिटिव मरीजों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद एक घंटे से खड़ा है, परंतु अभी तक मरीजों को एम्बुलेंस से उतरवाया नहीं गया। युवक का कहना है कि काफी समय से परेशानी हो रही है, जब वो स्टाफ को बोल रहा है तो वह टिकट की मांग कर रहे हैं, अभी तक इन पॉजिटिव मरीजों को उतरवाया नहीं गया है। हालांकि युवक का कहना है कि वह पहली बार ही मरीज को लेकर आया है जिसके अंदर चार पॉजिटिव मरीज है और दो उनके बच्चे हैं, परंतु इतनी देर से खड़े रहने की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है और इतनी देर से वह पीपीई किट पहने खड़े हैं। सर, मैं 108 एम्बुलेंस से हूँ, एक घंटे से यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है और अभी तक पेशेंट को नहीं उतार रहे। क्या बोल रहे हैं आप लोग अभी तक? अभी तक हमने तो इनको ही पूछा, ये तो बोल रहे हैं टिकट आएगी तब उतारेंगे। और हमारा EMT है, वो टिकट कटाने के लिए गया वहाँ से, एक घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे। कितने मरीज बैठे हुए? 6 मरीज है सर, लोको से लेके आया हूँ। 6 में से 4 तो पॉजिटिव है, 2 बच्चे हैं उनके साथ में छोटे छोटे, तो उनको भी साथ में, इनके साथ में भेज दिया। तो अभी आप एक घंटे से यहीं बैठे हैं? हाँ, एक घंटे से ड्रेस पहन रखे हैं और यहीं खड़े हैं। अंदर से तो जवाब नहीं आ रहा? अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। इनको बोलते हैं तो ये बोल रहे हैं कि टिकट लेके आओ। क्या भैया, हर बार ऐसी परेशानी होती है आप लोगों को? सर, हम तो पहली बार केस लिए हैं यहाँ पे। आपका नाम बताइए? विक्रांत सिंह। कैसे जाने हो आप? एम्बुलेंस पायलट। कितने जने हैं आप अपनी टीम में? हम दो हैं और एक EMT है, वो सर एक घंटे से वहाँ गया हुआ है, अभी तक कोई जवाब नहीं है उसका।